मैंने मेरे हस्बैंड ने एक हेयर स्टाइल मेरे को गिफ्ट किया है, तो इसका रिव्यू और डेमो देखेंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ इसको, मुझे भी आइडिया नहीं है कैसा आएगा करके, तो आज यूज़ करके देखते हैं इसको कि बाल इसे थ्री मंथ स्टाइलर है। मैं जैसे मैंने बोला था आपको, स्ट्रेटनर है, कर्लर है और क्रिम्पर है। तो कैसे आता है हम देख लेते हैं। कल एक्चुअली मेरे बाल बहुत ऑयली थे तो मैंने यूज़ नहीं किया, आज मैं इसको यूज़ करके देख रही हूँ। मैंने वॉश किया है तो कैसे आता है ये हम देखते हैं। वैसे तो मेरा बाल स्ट्रेट है, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो थोड़ा सा कर्ली हो जाता है, ऐसे है। तो हम अभी चेक करते हैं इसको। तो इसका जो है यहाँ पे एक स्विच दे रखा है, देखेंगे आप तो ऑन और ऑफ का। तो मैं इसको ऑन कर रही हूँ और थोड़ी देर छोड़ रही हूँ। आप प्लीज ये वाला जो जगह है इस स्टाइलर का, इसको टच मत कीजिएगा, क्योंकि ये कर्ल करने में हेल्प करता है, तो ये गर्म हो जाता है। तो आप ये टिप यूज कीजिएगा, जो गोल्डन पार्ट है उसको यूज कीजिएगा, ये ब्लैक पार्ट यूज हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि ये भी गर्म हो जाता है, मैंने पढ़ा था एक्चुअली, इसलिए बोल रही हूँ। तो पहले स्ट्रेटनर करके देखते हैं। मैंने स्ट्रेटनर का ओपन कर दिया है, गर्म हो रहा है, हीट की खुशबू भी आ रही है, तो मैंने स्ट्रेटनर ओपन किया हुआ है, भी गर्म होने देते हैं। और मैं इयररिंग्स भी उतार देती हूँ, ये इसमें फंस ना जाए इसलिए। तो थोड़ा पोर्शन ऑफ हेयर मैं ले लेती हूँ और इसको करके देखते हैं पहले कैसे स्ट्रेटन हो रहा है। कुछ सेकंड्स के लिए इसको गरम किया है, ज्यादा गरम नहीं किया है। तो देखिए ये स्ट्रेटन, ये देखिए ये पोर्शन मैंने लिया हुआ है बाल का, तो पूरा पोर्शन अंदर करके डालिएगा और इसको प्रेस करके तक लेके आइएगा। तो ये देखिएगा ये अच्छे से स्ट्रेटन हो गए हैं, नीचे के थोड़े बाल वो लग रहे हैं तो उसको फिर से कर देती हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला नीचे के बाल मेरे थोड़े कर्ली हैं। तो ये देखिए इस बाल को और इस बाल का देखिए आप, फर्क आपको पता चलेगा, ये अच्छा स्ट्रेटन कर रहा है। इसको ऑफ कर देते हैं हम, ऐसे इसने स्ट्रेटन किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये, आप देख सकते हैं स्मूथ स्ट्रेटन हुआ है। अब इसका क्रिम्पर यूज करके देखते हैं कि ये कैसे चलता है। ये क्रिम्पर है इसका, मैंने दिखाया था आपको पार्ट, तो फिर से ऑन कर लेते हैं, थोड़ी देर देते हैं इसको गर्म होने के लिए और ये पोर्शन छोड़ देते हैं। ये जो पीछे वाला पोर्शन मैं ले लेती हूँ, इसमें ट्राई करते हैं ये क्रिम्पर कैसे यूज होता है, देखते हैं। ये बाल तो अच्छे सॉफ्ट और वो हुए हैं, ड्राई नहीं हुआ है बाल। ये भी गर्म हो गया है, अभी इसमें से खुशबू आती है गर्म होने के बाद। ये क्रिम्पर यूज करके देखते हैं इस बाल में। मैं ऑफ कर रही हूं, मुझे लग रहा है ज्यादा गर्म हो गया है। अभी गर्म नहीं हुआ है शायद, थोड़ी देर और रखते हैं। पोर्शन
ले लेती हूँ मैं। स्ट्रेटनर तो सही अच्छा हुआ है ये। एक्चुअली अगर आप जल्दी में कहीं जाना चाहते हैं और आपका हेयर स्टाइल वो करना चाहते हैं तो ये आपको पार्लर जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर बैठे ही ये कर सकते हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत यूज़फुल लगा। मैं क्रिम्पर यूज़ कर रही हूँ। शायद मैंने ज़्यादा बाल ले लिया है, थोड़ा कम ले लेती हूँ। मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इसको, मैंने कभी कोई हेयर स्टाइलर यूज नहीं किया है आज तक। पार्लर से एक आध बार स्ट्रेटन कराया है और एक बार कर्ल कराया है जो मैंने बर्थडे में दिखाया था आपको। मेरे को ये मुझे करना नहीं आ रहा है, एक और बार ट्राई करती हूँ। ये एक आध बार यूज करने से ही आपको पता चलेगा। अब हो रहा है देखिए, अब देखिए ये अच्छे से क्रिम्प हुआ है ये बाल, आप देख सकते हैं ये वाले स्ट्रेटन है और ये वाले बाल क्रिम्प हो रखे हैं ये देखिए। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके करना पड़ेगा, ज्यादा पोर्शन लेके करेंगे तो नहीं आ रहा इसमें। हीट भी होने देते हैं। ये जो हेयर स्टाइलर्स हैं इन सबको यूज करना मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ पार्लर में जाऊँ और फटाफट करके आऊँ, लेकिन ठीक है ये गिफ्ट मिला है तो अब इसको यूज करना भी सीख लेते हैं। मैं ट्राई कर रही हूँ फिर से। मैंने क्रिम्पर कभी यूज नहीं किया है, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कैसे आ रहा है। ये देख सकते हैं आप पर कैसे आया है। बाल में भी करके देखते हैं थोड़ा। स्ट्रेटन करना तो आसान लगा था मुझे, लेकिन ये क्रिम्पर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। और इसको कान से बचा के रखिए, कान और चीक से, क्योंकि ये गर्म है। क्रिम हो रहा है ये अच्छे से, आप देख सकते हैं ये जो हो रहा है पोशन, देख रहे हैं आप कैसे हो रहा है। ये देखिए अच्छे से क्रिम हो गया है ये। मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा काफी। अब इसका कलर भी यूज करके देखते हैं कि कैसे आता है। इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये वाला पोर्शन टच मत कीजिएगा, यहाँ पे पकड़ लीजिएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी गर्म रहता है, ये जो ब्लैक पोर्शन है हम कर्ल करने की वजह से। अब कर्ल करके देखते हैं,
देखिए ऐसे हुए हैं ग्रिम्प ना बाल। थोड़ा गर्म होने देते हैं और कलर करके देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम मैं भी यूज कर रही हूँ तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं है इन सब का। बीच बीच में थोड़े बाल छूट गए हैं तो नेक्स्ट टाइम जब करूंगी तो थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो इस बाल को हम कर्ल करके देखते हैं अभी। मेरे को लगता है इसको नीचे से ही करना पड़ेगा और ऐसे रोल करके लाना पड़ेगा। गरम है प्लीज ध्यान रखिएगा। कर्ल किया है इसने। अगर मैंने ढंग से नहीं पकड़ा नीचे से तो ये ऐसे हो रहा है, नहीं तो कर्ल अच्छा सा आ जाएगा मेरे को लगता है। एक और बार ट्राई कर रही हूँ मैं इधर। इसको थोड़ा सा ऐसे रो करके रखिएगा, ये अच्छा कर्ल हो जाएगा। ये देखिए वाओ अच्छा कर्ल हो गया है नीचे से। देखिए आप बाल थोड़ा सा आप इसको यहां से करेंगे तो अच्छा सा देखिए कर्ल हो रहा है। हमें पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, गर्म है अभी मैं हाथ रख रही हूँ तो गर्म लग रहा है बाल। ऐसे हम स्टाइल्स बना सकते हैं। तो मेरा भी फर्स्ट टाइम यूज है तो इतना प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन यूज टू होते होते शायद ये अच्छा आने लगे। तीन स्टाइल आपको करके दिखाया था मैंने, स्ट्रेटनर्स, क्रिम्पल दिखाया था, ये देखिए क्रिम्पल यहाँ पे है इसमें, और कर्ल भी हो गया है ब्यूटीफुली। तो मेरे ख्याल से इसका ये है कि हमें हीट देखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा हीट रखना चाहिए शायद। मैं कम हीट रख रही हूँ डर के मारे कि बाल ना ख़राब कर दे। थोड़ा ज़्यादा हीट रख के करेंगे तो अच्छा आ जाएगा मेरे को लगता है, और एक दो बार ट्राई करने से ये समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे यूज़ करना है। तो मैं भी ट्राई करूँगी और अपने वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगी कि मैंने इससे कैसे कैसे स्टाइल बनाया, और आपको कैसा लगा ये मेरे को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बहुत हेल्प मिलेगा। और पास में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।